नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आया है या नहीं आया है, और आपके किसान निधि का पैसा कितना आपके बैंक अकाउंट में आया है, और वो पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपने किसान निधि का पैसा आया है या नहीं आया है इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, ये सब देखने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, काम ये करना होगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। लाइक करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसमें सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी ऑल पे क्लिक कर लेना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास कमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप कमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना नाइस। तो इतना सब करने के बाद सिंपली सेंड कर देना है, और सेंड करने के बाद दोस्तों सिंपली हम चलते हैं गूगल ब्राउजर में। तो गूगल ब्राउजर में जाने के पीएम किसान, तो जैसे ही पीएम किसान सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने एक नया पेज खुले, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रकार और कहीं पे आपको क्लिक नहीं करना है, मैं जहाँ बता रहा हूँ वहीं आपको क्लिक करना है। फिर आपको इस तरीके से आपको जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको फार्मर्स गारंटी यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बेनिफिट स्टेटस इस पे थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से इस तरीके से एक नया पेज खुल के आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोस्तों जिसके नाम ज़मीन है उसी का यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, अगर आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे अपना उसका अकाउंट नंबर लगा सकते हैं, और यहाँ पे अपना दोस्तों मोबाइल नंबर से भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर, और यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट नंबर, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, तो तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आप अपने किसान निधि का पैसा देखने के लिए। तो सिंपली आपको अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे आधार कार्ड एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे अगर अकाउंट नंबर आप डालना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर भी डाल के यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी डाल पे क्लिक, जैसे मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर पे टैग करके और यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली आपको गेट डाटा पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही दोस्तों गेट डाटा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, गेट डाटा पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी तीन किस्तों में पैसा आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इतना पैसा यहाँ पे आ चुका है। तो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका कितना पैसा आया है कितना पैसा नहीं आया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।